नमस्कार मित्रों, आज यात्रा हम करने वाले हैं मेहसाणा जंक्शन से पाटन के बीच में। आज की हमारी ट्रेन है मेहसाणा से पाटन के बीच में चलने वाली लोकल ट्रेन, जो कि सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगी है, जिसका समय मेहसाणा जंक्शन से छूटने का 12:10 है और अभी देख लीजिए अभी 11:35 हो रहा है। बात करें हमारी इस ट्रेन के लोकोमोटिव की, आज इस ट्रेन में हमारा लोकोमोटिव लगा WAG-7 लोकोमोटिव, जो इस ट्रेन को मेहसाणा से पाटन के बीच में ले जाएगा। मेहसाणा से पाटन की दूरी 39 किलोमीटर है, जिसे यह ट्रेन तकरीबन 1 घंटे में कंप्लीट करके हमें 1:10 पर पाटन पहुँचाएगी। हमारी इस मेहसाणा पाटन पैसेंजर ट्रेन में टोटल 13 कोच लगे हैं और 13 के 13 जनरल कोचेज। और बात करें इस ट्रेन की, तो यह ट्रेन में अपना रेक अहमदाबाद विरमगाम मेहसाणा, मेहसाणा पाटन बिलड़ी के साथ शेयर करती है, जिससे इस ट्रेन के जो बोर्ड लगा है उस पर अलग अलग स्टेशनों के नाम लिखा है। और फिलहाल 11:57 हो रहा है और हमारी ट्रेन का समय यहाँ से छूटने का 12:10 का है। चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जहाँ पर हमारी ट्रेन लगी, और अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं मेहसाणा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, बाकी 12:00 हैं और 10 मिनट में हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर होने वाला है। बाकी पूरी की पूरी ट्रेन खाली है, ट्रेन में मुश्किल से 15 से 20 लोग होंगे, बाकी पूरी की पूरी ट्रेन खाली है। मैंने सभी कोच को चेक किया, सभी कोच मोस्ट ऑफ खाली ही है, किसी में कोई इतने लोग बैठे हुए नहीं है। कोई नहीं, हम भी चलते हैं ट्रेन के अंदर और अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। फाइनली हमारी मेहसाणा पाटन पैसेंजर अपने निर्धारित समय से 12:10 पर मेहसाणा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल चुकी है। तकरीबन 39 किलोमीटर की दूरी हमारी ट्रेन या 1 घंटे में कंप्लीट करके हमें 1:10 पर पाटन रेलवे स्टेशन पहुंचाएगी। और इस हमारी ट्रेन की बात करें, तो इस हमारी ट्रेन मेहसाणा से पाटन के बीच में टोटल 4 स्टेशनों पर स्टॉपेज लेते हुए हमें पाटन रेलवे स्टेशन पर पहुंचाएगी। हमारी ट्रेन यहाँ से चलने के बाद दिनोज 12:23 पर पहुँचेगी, उसके बाद 12:29 पर सेलावी, 12:36 पर रणुज और 12:45 पर संखारी पहुँचेगी। इसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन हमारी ट्रेन यह 1:10 पर पाटन रेलवे स्टेशन पर हमें पहुँचा देगी। बात करें इस ट्रेन के किराए की, तो हमारा किराया मेहसाणा जंक्शन से पाटन के बीच में इस ट्रेन में मात्र 10 रुपया लगा है। हमारी मेहसाणा पाटन पैसेंजर मेहसाणा जंक्शन से निकलते ही जो पाटन के लिए लाइन अलग होती है, उस लाइन पे आगे बढ़ चुकी है। बाकी मेहसाणा एक जंक्शन पॉइंट होने के कारण यहाँ से कई लाइन अलग होती है, जैसे कि जो हमारी ट्रेन पाटन वाली लाइन पे अलग होकर निकल रही है और एक ये सामने दूसरे साइड से जो अहमदाबाद जयपुर दिल्ली मेन लाइन है, ये अलग होती है यहाँ से, और यही लाइन आगे जाके वड़नगर के लिए आगे से अलग होती है, जिससे मेहसाणा एक जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट है। और एक लाइन जो हम अहमदाबाद से मेहसाणा के साइड से आते हैं, उधर से एक विरमगाम से आके मेहसाणा को एक लाइन आके मिलती है, यानी ये मेहसाणा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट है। और एक टाइम में जब अहमदाबाद मेहसाणा के बीच में मीटर गेज की ट्रेन चला करती थी, तो एक बहुत ही बड़ा मीटर गेज का हब हुआ करता था मेहसाणा जंक्शन, और यहाँ से एक मेहसाणा से तरंगा हिल के बीच में मीटर गेज की लाइन पर ही एक मेमू ट्रेन भी चला करती थी 3 डब्बे की। बाकी अभी तो सभी लाइनों को ब्रॉडगेज में कन्वर्ट किया जा रहा है और सभी ट्रेनों को ब्रॉडगेज लाइन में चलाया जा रहा है।
महसाणा से पाटन के बीच में एक जो जंक्शन रेलवे स्टेशन आता है वो रणुज जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन कड़ी के रास्ते कलोल की अलग होती है। जो ये बगल में एक लाइन जो अलग हो रही है, यह कड़ी के रास्ते कलोल की ओर जाती है। पहले ये इस रूट पे मीटर गेज की ट्रेन चला करती थी, जो अहमदाबाद से कलोल के रास्ते कड़ी कलोल होते हुए इसी रास्ते से रणु जंक्शन की ओर आती थी। बाकी अभी इस रूट को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, नवा ट्रैक बिछाने का काम सामने चल ही रहा है, आप देख सकते हैं। अभी इस रूट पर ट्रेनें चालू नहीं की गई है, बाकी भविष्य में भी इसमें ट्रेन चालू की जाएगी और रूट को भी इलेक्ट्रिफाइड किया गया है। बाकी हमारी ट्रेन यहाँ रणुज से सीधा पाटन की ओर आगे बढ़ चुकी है। बाकी इस ट्रेन के कोच में देख लीजिए, मैं अकेला ही हूँ, कोई नहीं है, पूरी ट्रेन खाली है। एक दो तीन चार, चार को चार खाली पड़ी है सीट, पूरी की पूरी ट्रेन खाली है। मैं जिस कोच में यात्रा कर रहा हूँ, फाइनली हमारी मेहसाणा पाटन पैसेंजर ने मेहसाणा से पाटन के बीच में 39 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करके हमें 5 मिनट बिफोर पाटन रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिया। हमारी ट्रेन को पाटन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का समय दोपहर को 1:10 था, पर हमारी ट्रेन ने पाटन रेलवे स्टेशन में 1:05 5 मिनट बिफोर पहुँचा दिया है।